अच्छा चिट्ठा खोल दिया है, सब कुछ बता दिया है मुझे, जिसे सुनकर वो तमाम लोग जो मुझे मक्कार परे बीचाल बातों के बाद फरार कर रहे थे, उन सब की बोलती बंद होने वाली है। बस करो रे बादल, कितनी झूठी कितनी मक्कार हो तुम, इससे आगे इतनी चालें चल रही। अरे सब लोग जानते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तुम इससे अपने घुटने पार्टनर के साथ मिलकर क्या चालें चल रही हो, बस करो रे बादल। वो शैतान है शैतान, ऐसी साजिश की है ना सुपार कि तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं समझ सकते। मन्नत तुम्हारे लिए गुड न्यूज, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड फरहान को होश आ गया, तुमने जो पर्दा डाल के रखा था वो फरहान ने उठा दिया है, अब क्या करोगी मन्नत? कैसी सच्चाई हाँ, क्या नाटक क्या खेल खेलती हो तुम अपने पार्टनर फरहान के साथ लेकर? तुम्हारी ये जो जबान लटखड़ा रही है ना मन्नत, कि तुम्हारा क्या हाल है और क्या चाल चल रही है, क्या खेल खेल रही है, ये बहुत बुरा लग रहा है। कुछ तो मजबूरियां थी, यूं ही कोई बेवफा थी, क्योंकि मेरे दिल में कभी कुछ गलत था ही, तो मैंने तुम्हारी बेवफाई के बारे में सोचा, मुझे लगा कि तुम ऐसे इंसान हो ही, तुमसे ऐसा गुनाह हो ही नहीं सकता। क्यों तुम्हारा दिल मेरे दिल से भर गया, ऐसा क्या हुआ? मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था पर आज मुझे जवाब मिल गया। और तो तुम तुम्हारे भोले पर का फायदा उठाया है इस मन्नत ने, मन्नत और फरहान ने मिलकर जो भी सच्चाई तुम्हें बताई मेरे खिलाफ वो सबसे बड़ा झूठ है। मन्नत और फरहान मिले हुए उनकी प्लानिंग थी सुपार, ताकि तुम्हारी नजरों में खुद अपना गंदा वीडियो बनाए, जिसका इस्तेमाल करके फरहान ने मुझे धमकाया, मुझे धमकी दी, मुझे ब्लैकमेल किया, और मैं मेरी प्यारी सी बहन की इज्जत ना लूट जाए इसके लिए मैंने फरहान को जेल से छुड़वाया। वही चाहते थे ये लोग और वही हुआ। ऑफिस के पैसे चुका ताकि मेरी बहन के दामन में दाग ना लगे, जेल से छुड़वाना मेरी नेकी नहीं मेरा गुनाह बन गया। सब कुछ मन्नत की प्लानिंग थी सुहार, और इतना ही इसके बाद मन्नत ने फरहान को जानबूझ के घर में बुलाया और हमारे कमरे में उसके फुटप्रिंट्स छुड़वाए, ताकि तुम्हें लगे कि मैं फरहान से मिली थी, मैं फरहान के साथ मिली हुई, हफ्ते में हमले करवाती रही ताकि तुम्हें लगे कि मैं उसकी जान लेना चाहती हूँ। ये सब कुछ इसकी सोची समझी साजिश थी, और फिर जो उसका साथी है उसके साथ भी दगा करने लगी। इसने फरहान के साथ भी इतनी बेवफा है कि जिसने इसका साथ दिया फरहान, उसी को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर उसकी जान लेना चाहती थी।